मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 29 अक्टूबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है आश्विन का, तिथि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है हर्षण और करण है तैतिल। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। ओम अव्यक्त मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और काले रंग के वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा लोगों को दिन की शुरुआत में पदोन्नति के अवसर बनेंगे। ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, यात्रा करने से आपको बचना होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक उर्जनें इस दौरान बढ़ सकती हैं। ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए भी कल्याणकारी होगा, अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रण में रखना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप कोई वाद विवाद या कोई मुकदमा लड़ रहे हैं तो फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना आज बनती है। ओम आश्रिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, शेयर मार्केट में निवेश करने से आप बचें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने मित्रों से मिलने के अवसर बनेंगे, दाम्पत्य सुख में कमी आने के योग दिखते हैं। ओम इंद्र श्री प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, व्यापार में साझेदारी आप बिल्कुल न करें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। ओम इक्षु चाप धृते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आप बिल्कुल न बढ़ाएं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक लाभ बढ़ेंगे और मन भी शांत रहेगा। ओम उत्पल कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए जॉब में प्रमोशन की संभावना आपके लिए बनती है। ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और आज की तिथि में यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए सोचे हुए काम पूरे होंगे, आपकी व्यस्तता आज बहुत ज्यादा रह सकती है। ओम कली कलमश नाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और झूठ बोलने से आप बचें। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक व व्यावसायिक चिंताएं बनी रहेंगी। ओम कुलादि भेतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कड़वे बोल बोलने से बचें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको बहुत ही अलर्ट, बहुत ही सचेत रहना होगा। ऑफिस में किसी से वाद विवाद झगड़ा हो सकता है, कहासुनी की स्थिति बन सकती है। ओम कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अत्यधिक साहसी कार्य, रिस्क लेने वाले काम करने से आपको बचना होगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जिस भी काम में आप श्री गणेश करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, मांसाहार का सेवन और प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियाँ क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीवन में तमाम तरीके की समस्याओं से मुक्ति के लिए सूर्य देवता के अलग अलग उपाय आप करके कैसे लाभ ले सकते हैं, कौन से अलग अलग उपाय करें जिससे आपको जीवन में लाभ मिले, सफलता मिले। जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां सबको आती हैं, लेकिन लगातार परेशानियों से पीछा न छूटे तो कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, इनको करके आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले आपको करना है सूर्य देवता की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, इसको समझना होगा। प्रातः काल में जब सूर्य जब तक चढ़ रहा हो तो आप इस टोटके को कर सकते हैं। सूर्य जब ढलने लगे तो यह टोटका प्रभावी नहीं होता है। सर्वप्रथम आप सूर्य देवता को नमन करें, इसके बाद कच्चा सूत लेकर के उस पर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र पढ़ते हुए 7 गांठें लगा दें। अब आप इस सूत को, इस धागे को अपने शर्ट में, अपने कमीज के सामने वाली जेब में आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बॉडी से नीचे नहीं रखना है, कमर से नीचे के स्थान में आप नहीं रखेंगे इसको, तो आपको अपने शर्ट में ऊपर की पॉकेट में इसको आपको रख करके अपने साथ चलना चाहिए। जो भी काम बिगड़ रहा हो, किसी भी खास मीटिंग वगैरह में आप अगर जाना चाहते हैं तो इस धागे को साथ में लेकर के जाइए। सूर्य देवता की कृपा से आपके काम जो है वो बनते चले जाएंगे, खासतौर पर जो काम बिगड़ गए थे, जो रुक गए थे, जो अटक गए थे, उन कामों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। परीक्षा में अच्छे अंक बच्चों के कैसे आएं ये भी समझ लेना चाहिए। जब तक परीक्षाएं हों बच्चे को नियमित दही दिया जाना चाहिए। दही आपको ज़रूर बच्चों को खिलाना चाहिए। केवल
उसके समय में परिवर्तन करना होता है। इसमें रहस्य केवल इतना है, जैसे प्रथम दिन प्रातः 8 बजे दिया तो अगले दिन 9 बजे दें, फिर 10 बजे दें, यानी एक एक घंटा रोज आप बढ़ाते चले जाएं। जब परीक्षा देने बच्चा जाएगा तो अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। ये एक बहुत अच्छा, बहुत माना हुआ शास्त्रों का वर्णित टोटका है। घर में बरकत कैसे बने? गेहूं पिसवाते समय उसमें 11 पत्ते तुलसी के और थोड़ा सा केसर का दाना जो है, 2-3 दाने जो है केसर के डाल करके आपको पिसवाना चाहिए। इसको पिसवाने से पूर्व उसमें एक मुट्ठी जो है मिश्रण करके रात्रि के समय किसी मंदिर में आप रख दीजिए। उसे अगले दिन वहां से ला करके इस मिश्रण में आप मिला दीजिए। इसके बाद ही इस पूरे मिश्रण को पिसवाएं। ऐसा जब भी आप गेहूं पिसवाने जाएं तो एक दिन पहले आपको ये टोटका कर लेना चाहिए। ऐसा करने से, इस गेहूं का प्रयोग करने से घर में बरकत सदैव बनी रहती है। हालांकि आजकल के समय में गेहूं पिसवाने का प्रचलन जो है वो बहुत कम हो गया है, अब लोग सब पैक्ड आटा खाते हैं। लेकिन अगर आप ये टोटका करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। अगर कोई काम आपका अधूरा रह जाता है, काम पूरा ना होता हो, तो आप क्या करें? एक मिट्टी का बना हुआ शेर किसी बुधवार को देवी दुर्गा के मंदिर में अगर आप भेंट करके आते हैं, चढ़ा करके आते हैं, तो इससे आपके जो काम बाधित हो रहे हैं, काम में विघ्न बाधा आ रही है, वो बाधा दूर हो जाती है। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को हरे हकीक की 54 नग की माला जो है, 54 दानों की हरे हकीक की माला जो है वो माता लक्ष्मी के चरणों में आपको समर्पित करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष की बुधवार को सूर्यास्त से पहले चांदी का एक हाथी ला करके घर पर रखें। ऐसा करने से आपका कर्ज कम होगा। ऋण मुक्ति के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस प्रयोग को आरंभ करना चाहिए। चांदी के या स्फटिक के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को अपने घर या ऑफिस के पूजा स्थान में आपको स्थापित करना चाहिए। अब एक पात्र में गंगा जल रख करके उसमें चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश बने हों वो आपको डाल देना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं तथा बाकी बची हुई जो खीर है वो प्रसाद के रूप में आप स्वयं ग्रहण कर लें। रोजाना श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें, साथ ही साथ ओम गं गणपतये नमः मंत्र का एक माला 108 बार जाप करना चाहिए। इस उपाय को करने से शीघ्र ही कर्ज मुक्ति के योग बनने लगते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे उसके लिए क्या टोटका करें? दीपावली के दिन से आरंभ करके प्रातःकाल उठ करके बिना हाथ मुंह धोए एक नारियल को बड़े पत्थर के साथ बांध करके किसी नदी या तालाब में रस्सी के सहारे आप डुबो दें। डुबोते समय यह प्रार्थना करें कि हे नारियल, मैं सायंकाल में फिर आऊँगा और आपको लक्ष्मी जी के साथ ले करके जाऊँगा। सूर्यास्त के पश्चात उस नारियल को लेकर के आइए, उसे अपने घर में संदूक या तिजोरी में रख दें। पूरे साल घर में लक्ष्मी की कृपा इस उपाय को करने से बनी रहेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं ये निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो, जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय
तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमत्कारी प्रभावशाली समाधान एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।